फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का आज विपक्षी अंदाज में नजर आए। राजवाड़ा स्थित आज कांग्रेस विधायकों और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दोषपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हुए पटवारी ने कहा कि भाजपा नेता अपना जन्मदिन चुनावी आयोजन करते हैं, तब लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता है। पटवारी ने गरीबों की राशन व्यवस्था बंद होने पर बयान देते हुए कहा कि गरीबों के लिए राशन व्यवस्था जल्द ही शुरू होनी चाहिए। शिवराज सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इस समय जनता के साथ होना चाहिए, प्रदेश की जनता छोड़कर चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। खेल गए हैं, ऐसे अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना? जबकि जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले में रिट पिटीशन दायर हो चुकी है चिराई हॉस्पिटल के अजय गोयन का। तीन तीन विधायक बैठे हुए हैं, मेरा सीधा प्रश्न है, सरकारी जो राशन बट रहा था, क्या आप विधायकों को राशन नहीं मिला? आप लोगों ने सरकारी राशन नहीं बांटा क्या? बहुत अच्छा सवाल है। अभी पिछले 25 तारीख से राशन सरकारी वितरण व्यवस्था समाप्त हो गई। अब आप कहाँ से बंट रहा है, सवाल ये है। और फिर अभी इसके बाद हमें नहीं मिला, आपने जो बोला इसके बाद हमें नहीं मिला। जी, एक सवाल ये था कि पिछले दिनों जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ऑडियो को लेकर, उसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि एक नेता है कांग्रेस के, जो जिन्हें चूहे को चिंदी मिल जाती है तो बजाज खाना खोल लेते हैं, ऐसा आरोप सीधे तौर पर उन्होंने लगाया। वो राजा हैं और हम रंग हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पूरे देश में उनके बयान कई बार सुर्खियों में आते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ और न कोई मेरा आरोप है, मैं मानता हूँ कि हमारे बुजुर्ग नेता हैं, कुछ सीख देते हैं, अगर उनके वक्तव्य से मिलती तो हम नए लोगों को लेना चाहिए। पर ठाकुर के हाथ तो पहले ही कटे हुए थे, अब जवान है, कुछ भी बोले। सुदर्शन गुप्ता पे नाम हो गया, कल तक आपका ही मुद्दा था। इंदौर में प्रशासन द्वारा जिस तरीके से व्यापारियों के साथ और गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा, खासकर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा, उसके खिलाफ आपने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? सब्जी वालों को रोक रखा है और जिस चीजों की जरूरत नहीं, जिससे तक तो कांग्रेस का ही मत था कि कार्रवाई होना चाहिए। अब जब कार्रवाई हो गई है तब और क्या चाहते हैं? और क्या सुदर्शन गुप्ता होना चाहिए? सुदर्शन गुप्ता जी पे 24 घंटे में कार्रवाई हुई, प्रशासन जागा, अच्छा रहा, कल हुआ था, इतने बजे का आयोजन था और आज कार्रवाई हुई, तो कोई बात नहीं, जो हो गई उससे हम संतुष्ट। कुणाल चौधरी, आपके परम मित्र, पॉजिटिव आए कोरोना में, ये दौर ऐसा है, मैं समझता हूँ सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, किसी को भी लग सकता है, आपको और हमको भी, आप भी सब सोशल डिस्टेंस बनाओ। कंस को कृष्ण पापी दिखता था, शकुनी को भी पांडव पापी दिखते थे। तो पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा ये है कि बेटियों को शराब की दुकान पर नहीं बिठाना, ये पाप नहीं है। पाप की परिभाषा ये नहीं है कि कोरोना की महामारी में जब सरकार को गरीबों के साथ रहना चाहिए तब वो राजनीतिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट और वर्चुअल रैलियां करते हैं, ये पाप नहीं है। पाप की परिभाषा ये नहीं है कि एक मुख्यमंत्री लोकतंत्र की हत्या करके बैठ के पाप और पुण्य की बात करता है, विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदता है और फिर स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा और हम सब ने मिलकर ये किया, ये पाप नहीं है। तो पाप की परिभाषा जनता जानती है। जब पांडव कौरव सत्ता पे बैठे थे तो पांडव हल्के दिखते थे और जो कौरव कहते थे वो सही दिखता था। ये कौरव जो बोल रहे हैं ये जनता समझती है, इसका इतना विनाश और नाश होगा कि जनता बताएगी कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। और तरीके भी हो सकते हैं, तो मेरा आग्रह है प्रशासन से कि सरकार राशन गरीबों में वितरण प्रोसेस चालू रखे, अगर नहीं रखेगी तो फिर हम आस नहीं कर सकते कि लोग इस कोरोना से पहले भूख से मरने लगेंगे और अलग तरह की अराजकता का माहौल बनेगा।
तो ये कांग्रेस पार्टी का जो आयोजन था, प्रशासन को एक तरह से चेताना और जनता से अपील करना, प्रार्थना करना, उसके लिए उसको लेकर चार लोग सोशल डिस्टेंस से जनप्रतिनिधि बैठे हैं। इस पर एक सवाल और आता है कि ये धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जाके कलेक्टर से बात कर सकते थे। आदरणीय प्रशासन और मुख्यमंत्री और सरकार ये कहते हैं कोरोना से मिलकर लड़ना है। यहाँ के लोकल नेता भी रोज़ भाषण देते हैं अलग अलग समय पे, कभी गागल पहनते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो भी अपील करते हैं एकजुट रहे। तीन विधायक जनता ने चुने, चुना हुआ जनप्रतिनिधि पार्टी का नहीं होता है, जनता का होता है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आया कि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी और हम लोगों को कोई निर्देश नहीं मिले। जब हमारे लोगों ने, संजय शुक्ला ने, विशाल पटेल ने और मैंने कलेक्टर से बात की कि हम मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, अपनी अब हमारा मोटिव है इंदौर को लेकर बताना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा सर कोई मिलने का प्रोग्राम नहीं है। ये बात मैंने SMS से भी बोली, रिकॉर्ड है। सवाल ये है कि एक तरफ आप कोरोना से लड़ने के लिए एकजुटता की बात करें और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर, तो आपकी नियत में खोट है। इंदौर शहर की जनता समझे इस बात। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री, जुगाड़ के जनमत से बैठा हुआ मुख्यमंत्री, पीछे के रास्ते से लोकतंत्र की हत्या करके बैठा हुआ मुख्यमंत्री, जैसा भी है हमारा मुख्यमंत्री, अब हमारे मुख्यमंत्री को अगर हम जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है वो अपनी बात नहीं कहे तो किसको कहे। इसलिए माँ अहिल्या की नगरी में, माँ अहिल्या के चरणों में बैठ कर हमने इंदौर की जनता से आग्रह किया कि आप खुद संभलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लॉकडाउन नहीं होने के बावजूद लॉकडाउन के नियमों का पालन करो, प्रशासन का साथ दो और हर परिस्थिति में सरकार के निर्देशों को मानो। मैं कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी ये जन जागरण हम चौराहे घर घर कैसे फैलाएं, इसको लेकर प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी बना रही है। हम मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर बांटने का हमने प्रोग्राम बनाया है, वो भी आगे करेंगे। तो जनता खुद संभले, माँ अहिल्या की नगरी में बैठ कर ये प्रार्थना हम सब करना चाहते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।